आपकी विरासत कौन संभालेगा यहाँ? नहीं, हमारी विरासत पार्टी में विरासत हमारे यहाँ भगवान की कृपा है कि हमने हजारों कार्यकर्ताओं के आधार पे बनी हुई पार्टी है, एक नेता के आधार पे बनी हुई पार्टी नहीं। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि सालों से गुलाबचंद कटारिया का सूरज उदयपुर में उदय होता रहा है, अब उस सूरज कभी अस्त नहीं हुआ, कोई आपको हरा नहीं पाया। नहीं, देखो आज तो उदय का सवाल नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का जनता का आशीर्वाद है कि मुझे से साधारण आदमी को भी वो पूरी मेहनत करके जिताते हैं, और मैं जो जीता हूँ वो जनता के आशीर्वाद से जीता हूँ। न तो मेरा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड है, न मैं कोई बहुत पैसे वाला हूँ, न कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ। तो जिसने एक साधारण कार्यकर्ता को इतना बड़ा कार्यकर्ता बनाया है, तो मेरी तो उनका कर्जा चुकाने की जितना जीवन में कर सकता हूँ करूँगा, और उनके मन को भी हमेशा इस बात का एहसास कराऊँगा कि आपने जिसको पाल पोस के बड़ा किया है, उसने आपका मान और सम्मान आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास। विधानसभा के कार्यकाल को, नेता प्रतिपक्ष के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखो, मैंने मेरी मेहनत करके जो कुछ मैं कर सकता था, जितनी मेरी बुद्धि है और जितनी मेरी क्षमता, करने का प्रयास किया है। ये निर्णय तो आप मीडिया और राजस्थान के वासी ही करें कि मैं उसमें कितना सफल हुआ कि नहीं हुआ। बहुत अच्छे प्रोग्राम इस बार हमको देखने को मिले, असेंबली के अंदर कई बड़े सेमिनार्स हुए। देखो, निश्चित रूप से ये श्रेय तो जाता है स्पीकर साहब को कि उन्होंने इनोवेशन किए हैं, अच्छे अच्छे कार्यक्रम करके विधानसभा के सदस्यों को भी उसके जोड़ने का प्रयास किया। तो मैं सोचता हूँ कि ये सौभाग्य राजस्थान विधानसभा का कि देश की बड़ी बड़ी डिग्निटी आकर के विभिन्न कार्यक्रमों में शरीक हुई, तो उससे राजस्थान की विधानसभा का मान बढ़ा, राजस्थान का भी मान बढ़ा, और उसमें एक सहयोगी हिस्सेदार हम भी थे। जितना हम कर सकते थे हमने भी करना का। मेवाड़ की राजनीति से आप दोनों निकले हैं, स्पीकर डॉक्टर सी पी जोशी, गुलाबचंद कटारिया, अब दो दोस्त भी कहे जाते हैं राजनीति से परे, अब एक विदा होंगे। देखो, क्या है कि मेवाड़ का जो कुछ भी भविष्य है, मुझे जो लगता है भगवान एकलिंगनाथ को हमने इस गद्दी का मालिक बनाया है। शायद दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि वहाँ का राज परिवार स्वयं मालिक नहीं हो, पर मेवाड़ की ये पता नहीं किसने परिपाटी शुरू की कि हमने भगवान एकलिंगनाथ को ही राज सिंहासन पर बिठाया, और उसका काम करने वाले सब उनके एक तरह से सहयोगी के रूप में रहे। तो मेवाड़ ने ऐसा इतिहास रचा जिसकी शायद कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। वहाँ तो एक जानवर रहना, चेतक भी इतना बड़ा पुरुषार्थ करके जाता है जो वास्तव में दुनिया को देखने लायक है। तो यहाँ के हर छोटे छोटे व्यक्ति ने भी देश के लिए जीना और देश के लिए मरने का जो संकल्प लिया है, पन्ना दाय जैसी एक सामान्य सी महिला, कोई पढ़ी लिखी नहीं, किस प्रकार का बलिदान करती है, ये सब कैसे, ये भगवान एकलिंगनाथ की कृपा से मेवाड़ को ये ताकत मिली हर आदमी को, कि मैं सोचता हूँ मैं भी उसी का रहने वाला हूँ, तो निश्चित रूप से उस मेवाड़ के मान और सम्मान को आगे बढ़ाने का ही काम करूँगा, क्योंकि वहाँ का मुझ पर बहुत अधिक कर्जा है, मैं ईमानदारी से अपना काम करके चुकाऊँगा।